इन्होंने कहा कि और फिर हमने जो सिलसिला चल रहा है बरसों से उसको हटाना चाहते हो, हटाकर अपनी बड़ाई जताकर यानी लीडरशिप बताकर लीडर बनकर पूरे मिस्र के बादशाह तुम बनना चाहते हो, ये इल्ज़ाम। वो तकूना लकुमुल किब्रियाऊ, ये किब्रियाई, लेकिन हर हुक्मरान मुतकब्बिर होता है, ये बड़े इख्तदार वाली कैफियत तुम्हारे हो जाए तुम, लेकिन दोनों साथ साथ थे, तुम दोनों भाई मिलकर पूरे ममलकत को हुकूमत को बांट लेना चाहते हो, फिल अर्से मरद ममलकत, अर्ज के माने सिर्फ ज़मीन नहीं, अर्जुल हिंद हिंदुस्तान, अरबी का इस्तेमाल का वो तरीका समझना पड़ेगा। उमा नहनु लकुमा भी मोमिनीन, हम हरगिज़ तुमको मानते ही नहीं, यह अरबी जबान के लुगवी डिक्शनरी के माना, वो ईमान वाली बात नहीं। शरीयत के अंदर मोमिन अलग चीज़ है, लैंग्वेज के अंदर मोमिन अलग चीज़ है, लैंग्वेज के अंदर किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना मान लेना, शरीयत के अंदर अल्लाह के वादाउला शरीक के होने को और ईमान के जितने तरीक़े हैं उसको दिल से यकीन कर फिर प्रैक्टिकली, ज़बान से इकरार करने का लोग मतलब गलत समझते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया ना होगा वो मतलब नहीं, ज़बान का मतलब है, ये ज़बान के लफ्ज़ भी हैं, प्रैक्टिकली पूरी लाइफ में हर शोबे में उसके तकाजे के मुताबिक करके बताने का नाम ज़बान है, ये दो चीज़ें साथ साथ है तो ये मोमिन है, ये दीन इस्लाम का, ये लैंग्वेज का, अरबिक लैंग्वेज का, हम तुम्हारे इन चीज़ों को मानने वाले नहीं, यानी आम मानना, उसके माना आम मानने के हैं। आखिर में कहा फिरौन ने, देखो यानी हुकूमती आर्डर जारी कर दिया अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर मदियन वगैरह सब में, हर किस्म के जादूगर दुनिया के तूलो में जहाँ जाएँ सबको कलेक्ट करो, पूरे ममलकत के ख़जाने वक्फ कर देंगे, पैसे की कमी नहीं हमारे पास, हम कर देंगे। उस वक्त की दुनिया में पैसे के तबाद से था भी उन्हें वैसे, उसकी तफसील सूरह आराफ में तफसील के साथ गुजरी है, यहाँ थोड़ा सा फलम्मा जा सहारा तो साहिर की जमा आबिद की जमा आबदतुन, काफिर की जमा कफरतुन, काफिरुन भी आती कफरतुन, उलाइका हुमुल कफारा अल्फजर, साहिर की जमा साहिरुन, साहिर की जमा सहारतुन, आबिद की जमा आबिदुन, और एक जमा का तरीक़ा है आबदा, तो इसी तरह यहाँ साहिरुन फलम्मा जा सहारतु ऐ साहिरुना, सारे जादूगरों को जमा भी कर लिया, हुकूमत का ताकत पावर था, सारे जरिए थे, उसकी तफसील पारे 19 में भी कुछ आएंगी, सूरह आराफ़ में गुजरी है, खाल अल मूसा सब जमा हो गए, पारे 16 में वजात है, कैसा जमा किए, टाइम लिए, टाइम इन दोनों से पूछा, पैगंबर मूसा ऐसा तो सामने पाया, ऐसा टाइम होना चाहिए जिस दिन मैं नहीं था तू नहीं था कि बात नहीं आना, लिहाजा उनकी एक ईद और जश्न मनाने का दिन था जिसमें बीमार बूढ़ा बच्चे सभी जमा होते हैं, सबके सामने मुजाहरा हो जाए, वो टाइम दे दिया। सूरह ताहा में उसकी तफसील है, सब जमा हो गए तो मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम ने अलखूब माँ डाल दो तमाम चीज़ें जो तुम डालने वाले हो, हर एक बड़े बड़े रस्सियाँ लेकर आया था, डंडे लेकर आया था, बड़े बड़े डंडे, फिट के ऊपर नहीं थे डंडे, क्योंकि इंसान खुद फिट से आगे था, गज़ों में चलता था इंसान, वो इंसान गज़ों में था, उस पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम 10 गज के थे, आपका असहाबी 10 गज का था, 19-20 के फर्क से सारी पब्लिक भी ऐसी थी, ये ज़माने समझना और आसान है, चले जाइए उम्रे के नियत से, हज के नियत से, सारी दुनिया के अख़वान जमा होते हैं, आप उनके सामने देखिए, आप बौने दिखते हैं, वो लहीम शहीम जिस्म के ज़रिए से, वहाँ आसानी से जर्रा आपको हटाने के लिए आसानी से
हटाया तो आपको धक्का मार के गिरा जैसा दिखता है और गिरते भी। उसी नस्ल की बाकियात हैं जो घटते घटते यहाँ तक है, वो जो तुम्हारे लिए शैतान के पुतले के जैसा नजर आ रहे हैं, बॉडी के एतबार से, फुला एतबार से, वगैरह वगैरह। मूसा ने कहा ठीक है, क्या करके बताते बताओ। सब उन्हें डंडे डाले तो सबके डंडे बड़े बड़े सांप बने, सारे रस्सियाँ छोड़े तो इतना बड़ा मैदान का इंतजाम भी करे, हर एक की नज़र देख रही कि बराबर घेर रही कब रही कर रही। जरी देर के लिए कुरान में दूसरी जगह जिक्र है, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को ज़रा से झिझक पैदा होने लगी, डर के भागे नहीं, झिझक होने लगी तो अल्लाह ने फरमाया कि क्या सोच रहे मूसा, अब इनका हो गया ना, अब आप डाल दीजिए आपका एक ही डंडा। वो हजारों हजारों में 70,000 से कुछ जायद थे, तो वह 70,000 से जायद जो एक एक सांप की शक्ल, यहाँ से वो बाहर रोड के पार की इतनी बड़ी बिल्डिंग तब, इतने इतने लंबे रस्सियाँ, फिर डंडे, सब ऐसे है हिलते हुए हरकत करते हुए आ रहे हैं, दिख रहे हैं वहाँ का वहाँ हिलते हुए, ना हकीकत में ना हिल रहा ना कर रहा। जो शहर है डालते हकीकत में निकल गया एक डंडा, हजारों रस्सियों को हजारों डंडों को हड़प कर गया, फिर तलाश करे तो नहीं। जादूगरी का फन सीखने वाले सब माहिर जमा हुए थे, एक ही लम्हे में इतने यकीन के साथ, यकीन हो गया जान की माल की परवाह के बगैर, वो सख्त हुक्मरान की सजा की परवाह के बगैर, सूरह ताहा में तफसील आएगी, सूरह आरफ में थोड़ी सी तफसील है, सूरह ताहा में बड़ी तवील तफसील है, सूरत शुअरा में भी कुछ तफसील है। तो ईमान दिल के अंदर इतना गहराई के साथ बैठा, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कटवा दिए, सूली पे चढ़ गए, लेकिन ईमान से नहीं हटे। हक मालूम हो गया तो इसलिए कुरान समझाते हक को पहचानो। जिस दिन जिस लम्हे आपके दिल में भी बैठेगा, आपकी पूरी जिंदगी के सारे अमल में फिक्र में तब्दीली आएगी। वो आते रहना ईमान बढ़ते रहने की अलामत है, ईमान पे मजबूत होने की अलामत है, वरना जाहिर रस्म और रिवाज करते हुए कि सारे के सारे तरीक़े लोग कहने पर मजबूर हो गए, पक्का नमाजी अंडे चोट, पुराने लोगों का एक महाजरा, कोई कहने लगा इतने शरीफ शोहरत में है, शरीफ बदमाश, ये भी है वो भी है, ये भी है वो भी है। मूसा ने कहा फलम्मा अलकौ, जब इन्होंने डाल दिया तो मूसा ने कहा माँ जी तुम भी ही अस्थि, जो कुछ भी तुमने किया ये इसको कहते हैं देखो सहर है, ये मैं जो पेश किया हूँ अब तक पेश करता रहा हूँ, अब जो करूँगा वो सहर नहीं है जी, कहता नहीं समझते तुम लोग, मैं लफ्ज नहीं बोले इन अल्लाह सईतुल, अब देखो अल्लाह ताला इसको कैसे ख़त्म करते हैं। हक ख़त्म नहीं होता, बातिल ख़त्म होता है। इन अल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ्सिदीन, ऐसे मुफ्सिदीन फसादियों के अमल को अल्लाह ताला सही दुरुस्त करार नहीं देते, वो सही हो भी नहीं सकता। अब नतीजा, क्योंकि वाकई को सुनाना कंटिन्यू नहीं करना मकसद नहीं है, उससे नतायज इस उम्मत को इस ज़माने के इंसान को पेश करना है। ईमान के तकाजे होते कैसे हैं, जरी इतनी बात आ गई तो घबरा के बैठ गए, तो गया ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ, अरे ऐसा हो रहा करते ना, होता रहा है होता भी रहेगा। तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है ना, रब से रुजू रहो, दुआ करो, नहीं कत्ल हो जाता ना, फिर रब का फैसला है मानो, बर्बाद हो जाएंगे ना, अगर रब चाहता तो होना पड़ेगा, उसकी दी हुई चीज़ है, जब वो लेता है तो आपको एतराज़ है, ये हकीकत है साहब आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन में।
वो कटे भी, बदन के टुकड़े भी किए जाने वालों की मुतालबा यह हुआ सिर्फ इतनी सी गाली दे दे, जिस्म के कई हिस्से काट दिए गए, सूली पे चढ़ाई नहीं है हजरत खब्बाब को, बोले कि इतनी सी शान में कह दे, सारा अरब जमा होकर लेकर सूली पे चढ़ाकर तख्ता खींचना बाकी है, हाथ कटे, फुलां कटे, कटे। उन्होंने कहा मुझे जान बचाने की कह रहे हो तुम, अगर मुझे इस वक्त कोई आकर ये सुना दे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काटा भी चुभा है, ये भी मैं सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उनकी शान में गुस्ताखी वाला बात कहूँगा मैं। वो यकीन दिल वाली कैफियत, ईमान उसको कहते हैं। हाँ चलता ना, अब तो बड़ी मुश्किल से दो रकात फर्ज पड़ जाती, इतनी तेजी के साथ भागते मस्जिद से बाहर, वह कैद खाने में आया था, एक सुकून हो गया। नमाज के शुरू होने के वक्त पे आऊँगा, बल्कि कोशिश करूँगा अब शुरू हो रही, चलो फायदा तो मिल जाएगा, दूसरी रकात मिल जाएगी, अब हो गई सबसे पहले निकलो। यही चीज़ मैं चबूते पे ठहर सकता हूँ, होटल में बैठ सकता हूँ, आपको सड़क के ऊपर रोककर घंटों मिनटों बात कर सकता हूँ, कितना अच्छा दिन लगता है, बड़ा अच्छा दिन गुजरा। शैतानी सोच है, अब यहाँ रहे तो दूसरी गुफ्तगू नहीं करना, अल्लाह को हाजिर समझ के खामोश बैठना, ये जेलखाना खैदखाना कब तक, जल्दी निकलो ना। कह रहे नहीं, अमली तौर पर जो होता है, ये कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, हम भी नहीं बोलेंगे। वो चीज समझना है, जिसको जैसे समझ में आएगी वो करेगा बस। फिर आप ये कहना कि उन्हें ऐसा नहीं करना, कहीं को नहीं करना, उसमें इस्तेदाद सलाहियत उतनी छे विच करेंगे, उसकी इस्तेदाद और सलाहियत को आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, तरीक़ा अपना सकते हैं अपनाइए। ये कौन कर रहा, ये कौन कर रहा है, मेरा आदमी बैठ के बोला तो ये हमारे गुरु का यहाँ बैठना सुनना, वो बोला नहीं सुनना, ये कहा तो ये नहीं सुनना, कितने खुदा हैं आखिर, क्या थी भी चीज़ है ये। इस्लाह वाला पहलू कहीं में नहीं दिख रहा, रहने जीने वाले आम मुस्लिम माशरे के अंदर, और कुरान के 5,500 आयतें इसी की इस्लाह पर हैं। वो दीन जिसका नाम है नमाज पढ़ना, एक ने आकर कहा जिसमें बैठो जमात में, मेरे से आगे पूछ रहा हूँ क्या है, सही नमाज जिसको कहते हैं हम सिखाते हैं, इसमें जो है उसकी नमाज सही होती है, ये दबाव में बिठा कर भेजे उसको, और इधर देखा अभी नमाज पढ़ रहा है उन्हें उधर से, इन्हें यहाँ क्यों बैठ गया, यानी मैं भगवान हूँ तू मुझे सजदा कर रही, ये तालीम नहीं दिया आपने उसको। कोई एक शख्स में नमाज पढ़ रहा है तो कुरान पढ़ने वाले को मना कर दिया, दीन ये है, झूठ की इंतहा भी हो गई, बखिया नमाजों के बाद बैठिए, आदमी भी नमाज नहीं पढ़ते कि दूसरों को बखिया नमाजों होने भी नहीं देते, फिर बोलते हैं कि हम नमाज सही करते, वो तरीक़ा गलत है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनका बोलना गलत है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। नमाज को सुधारने की जगह नमाज को बिगाड़ना, कैसा सुधारेंगे, कते की बुनियाद पर सुधारेंगे, वो अहकाम की चीज़ है, वो तालीम की चीज़ है, वो जो बुनियाद है उसके अंदर वो नहीं है, फजीलत वाली चीज़ें हैं, एक चीज़ ख़राब नहीं है उसमें, एक चीज़ गलत नहीं है, पूरी किताब में एक लफ्ज़ गलत नहीं है, उसके दरमियान में जो हाशिए चढ़ते हैं उसमें गलती जो इल्म से ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ने कहा, कहाँ कहा अल्लाह ने, अल्लाह ने कहा बड़े तो कुरान की आयत होना पेश करो ना, खाली अल्लाह ने कहा अल्लाह ने कहा अल्लाह ने कहाँ कहा अल्लाह ने वगैरह वगैरह, यही कि इसको कह करके नहीं, कमोबेश सब में इस्लाह इसकी, कुरान के 5,500 आयतें
6000 से ज्यादा तुम, सिर्फ 500 आया तुम्हें रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, वो करना है, ये करना, सिर्फ 500 आयत है। उसका ताल्लुक ये 5,500 आयतों को समझने के बाद, यानी अकीदे को दुरुस्त करने के बाद वजन उसमें पैदा होता है। हम ये क्यों नहीं चाहते? कराओ ना, अभी कुरान की तिलावत कराओ ना, कुरान की तिलावत कराओ ना, फलां करो ना, क्यों नहीं? हदीस शरीफ में तो इतने सप्ताह की दे भी सत कलीमत जामू, झूठ बनाकर पेश करने का सबसे बड़ा जरिया है जामू यानी कते। एक बुजुर्ग थे कते, अभी बुजुर्ग थे तो नाम कोई नहीं मालूम तुझे, वो नाम याद करे तो क्या, सर में दर्द होता, बुखार आता, खून में कमी होती, उसमें गलत होना ज़रूरी नहीं। कते की बुनियाद पे जितनी चीज़ें बोलेंगे दीन ने मना कर दिया, कम से कम ये होना मैं आपसे सुना हूँ, मुझे इन्होंने कहा ऐसा, अब पकड़ना है तो इनका गला पकड़ो, इनसे पूछो। लेकिन आप तो कते की बुनियाद पर नहीं बोलना, दीन में मना है। अब हमारे लिए हदीस भी पेश करना है तो बुखारी ने यह हदीस बयान की है, तिरमिज़ी ने की है, फलाने की तब ने हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसी चीज़ें हैं जिसके माना बड़े खुश सुकून है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जांच पड़ताल में हदीस से उसका लेना देना ताल्लुक़ नहीं है। जो मैंने नहीं फरमाया, मेरी तरफ नस्बत कर कर जो फरमाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाजिमन लाजिमन यकीनन यकीनन उसका ठिकाना दोज़ख में है। फिर ये फरमाया, अल्लाह ने फरमाया बोले अपने ख्याल से, अगर इत्तेफाक से सही भी निकला तो सबसे बड़ा गुनाहगार है। कुरान की हदीस की बातें, अल्लाह की हदीस की बातें पूरे यकीन इत्मीनान के साथ होने के बाद बोलना है, सुना सुने के ऊपर नहीं। हदीस के अल्फाज हैं, अगर राय से बोला कि नहीं ये है, जाके देखो सही का निकला भी हो तो भी उन्हें सबसे बड़ा गुनाहगार। इसलिए इल्म के तीन कस्में बताए, उसे तीसरी कस्म यह कि लादरी बोलना, मुझे सही मालूम नहीं, मालूम करके बोलूँगा वगैरह वगैरह। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वो युहिक्कुल्लाहुल हक्का, इतने चीज़ को अभी बात चल रही है आगे, अभी एक मुस्तकिल रुकू है तवील, अब यहाँ तक नतीजे में आज के इंसान को जो कुरान पर यकीन रखता है उसके लिए अल्लाह ताला देखो हक को हक बनाकर बताते हैं, अगरचे के वक्त लगा, बरसों 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 लगे, कई नस्लें बर्बाद हुई, बर्बाद नहीं हुई दुनिया के लिहाज से बर्बाद हुई, हकीकत के अतबार से जन्नती करार पाई। ईमान की बुनियाद पर उनको मारते गया, कत्ल करते गया, जुल्म ज़्यादती करते गए, वो सहते गए, उनकी नस्ल गई, उनके ख़ानदान गए, उनके माल गए, उनकी दौलत गए। कुरान ने कहा कि आसान तक रहो शहन व खैरुल्लकुम, ये चीज़ तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ़ की बायस है। जो सबसे बड़ी मुसीबत और तकलीफ़ वाली दिख रही है, तुम क्या जानो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी और बेहतर तुम्हारे लिए वही है। और जो चीज़ों को अच्छा समझ रहे हो, आसान तो हिब्बू शयन व शर्रुल्लकुम, जिस चीज़ को तुम बड़ा अच्छा और प्यारा समझ रहे हो सबसे बदतर तुम्हारे लिए है अंजाम के लिहाज से, ये फैसले खुदाबंदी है। तो यह कुल्लाउल हक भी कलिमात ही, अल्लाह ताला अपने कलिमात के ज़रिए से, फैसले के ज़रिए से, इरादे के ज़रिए से, वो सारे के सारे इतना बड़ा जो तमाशा किया उसने, अल्लाह ने अचानक लम्हे में ख़त्म किया। जो सदियों से चल रही थी बात, बरसों बरसों से चल रही थी, अब नतीजा निकलने बाद क्या हुआ? वो जो कौम थी यानी उस वक्त की पूरी दुनिया थी, क्या खुश हुई वो, क्या उनको अच्छा लगा? तो अल्लाह फरमाते हैं जब करते हैं तो वलो करियल मुजरिमों, ये आदि मुजरिमों को, गुनाहगारों को जो सुधरना नहीं चाहते, हक को नहीं मानना चाहते, भले उनको बुरा लगता है लगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।